यूपी के रामपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते जिले में 22 लाख पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार सिंह आज सुबह से ही अपनी पूरी टीम के साथ काशीपुर गांव में पौधारोपण किया, जिसमें 3000 से भी ज्यादा पौधा गांव के प्रधान के सहयोग से लगाए गए। रामपुर डीएम अंजनेय कुमार सिंह ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते जिले में 22 लाख पौधारोपण लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें रामपुर के डीएम इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट गए हैं। डीएम रामपुर लगातार आज सुबह से ही वृक्षारोपण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सारे अधिकारियों ने किया है, क्या प्रोग्राम है और क्या इसका लक्ष्य है? एक्चुअली आज हमें 9 बजे से 10 बजे के बीच में सबसे ज्यादा पौधे, पूरा प्रदेश 5 करोड़ पौधे लगाने का पूरे प्रदेश का एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और उसी में हमारा भी योगदान है। हम पूरे जनपद में प्रोग्राम चला रहे हैं। यहाँ पे अकेले हमने अभी आधे घंटे में करीब 1500 के करीब पौधे लगाए हैं, पूरे 3000 लगाने का है, और हम लोग अभी इसको टारगेट को पूरा कर रहे हैं। तो जो 5 करोड़ पौधे लगाने का जो रिकॉर्ड बनाना है, उसमें हमारा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसके लिए हम आज कर रहे हैं। वैसे पेड़ दिन भर लगेंगे और इसके बाद भी लगेंगे। अच्छा, कौन कौन से मतलब पौधे जो है लगाए गए, कौन कौन से? सामान्यतः हमारा जोर इस बात पे है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली पौधे लगें। हालांकि कुछ जो व्यक्तिगत किसान है उनकी पसंद पे हम कहीं से भी रोक नहीं लगा रहे हैं, पर जो हमारे तरीके से जो हमारे विभागीय जितने भी पौधे लग रहे हैं, उसमें सारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली और न्यूट्रिशन फ्रेंडली। जैसे सहजन हम लगा रहे हैं, हम 5 लाख सहजन लगा चुके हैं। आगे हमारा इरादा ये है कि 5 लाख और सहजन पेड़ के पेड़ लगाएंगे, और पूरे जनपद में जो हमारा लक्ष्य है 20 लाख, उसके बजाय हम 28 लाख पौधे लगाएंगे। हमारा संकल्प ये है कि पूरी जनपद की पॉपुलेशन जितनी है उतने पौधे हम इस बार लगाएंगे। सर, आपकी सुरक्षा को लेकर किस तरीके के निर्देश हैं? जितने पौधे हैं सारे जियो टैग किए जा रहे हैं, वो भी जो एडिशनल हमारे 8 लाख लगा रहे हैं उनको भी जियो टैग किया गया है, जितने सहजन के पेड़ हैं। और ये जितने जियो टैग किए जाएंगे उसके बाद भी इनकी समीक्षा होती रहेगी, यहीं पे नहीं, शासन स्तर पे सारे ऑनलाइन हैं और इनको देखा जा सकता है। और जहाँ पे भी पौधे मरेंगे, मतलब पौधे अगर नहीं बचते, वहाँ पे रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स की जानी है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जियो टैगिंग के बाद ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पौधे के बारे में कोई कंसर्न हो कि पौधे इसके बाद बचेंगे कि नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।